तो दोस्तों इस पार्ट में आप देखने वाले हो हुआ युहाओ वांग डोंगर और वांग क्वियर को स्टारडू फॉरेस्ट में जाते हुए, जहां इन तीनों का ही सामना एक दूसरे से होगा। और यही से अब हमें देखने को मिलेगा इन तीनों के बीच में एक लव ट्रायंगल, इसलिए ये एपिसोड थोड़ा स्पेशल है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वही से होती है जहां बेबे काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है, अब सिर्फ कुछ ही महीने रह गए हैं नए टूर्नामेंट को होने में, और मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम सभी ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, लेकिन सभी लोगों ने ही काफी लंबे समय से एक साथ काम नहीं किया है, तो फिर चलो कहीं चल के एक दो हाथ करते हैं। तो जू सांसी युहाओ से चिपकते हुए कहता है, मैं युहाओ और जियांग ननन के साथ टीम अप करता हूँ, तुम लोग बाकी को चूज कर सकते हो। जू सांसी को इतनी जल्दी टीम बनाते देख सभी हैरान होते हैं। फिर बेबे कहता है, चलो फिर हम पहले वहाँ पर चलते हैं, जिसके बाद ही हम बात करेंगे। और बेबे को देख के युहाओ मन में कहता है, ऐसा दिखता है कि एल्डेस्ट ब्रदर अपने आप को संभालने की काफी कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि आफ्टरनून तक श्रेक सेवन डेविल्स लगातार प्रैक्टिस करते हैं और बार बार अपनी फॉर्मेशन की ट्रेनिंग करते हैं। और युहाओ और वांग डोंगर ने जो पार्टिसिपेट किया था स्टारडू फॉरेस्ट के अंदर स्पिरिट रिंग को ऑब्टेन करने वाले ऑपरेशन में, तो इन्हें भी उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है और एकेडमी ने भी इनके लिए एग्री कर दिया होता है। और इस ऑपरेशन में टोटल 8 लोग जाएंगे, जिनमें से वो दो लोगों के अलावा किसी को भी नहीं जानता है। और तो और इस लिस्ट के अंदर वांग क्वियर का भी नाम होता है। जिसके बाद हमें अगले दिन स्कूल एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां पे वांग डोंगर किसी को गुस्से में देख रही होती है, और ये जिसे घूर रही होती है वो और कोई नहीं वांग क्वियर होती है। और इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने देख के युहाओ के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं, और ये मन में कहता है, आखिर ये क्या ही ऑकवर्ड सिचुएशन है, और ये दोनों तो पक्का एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन तब भी इनका स्वभाव एकदम अलग है। और तभी यहाँ पर टीचर कायमा आ जाती है और कहती है, क्या सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं? तो एक बंदा कहता है, हाँ टीचर सभी आ गए हैं। और इस तरफ वांग डोंगर युहाओ के कान में कहती है, मैंने सुना है कि टीचर कायमा 90 सालों की हो चुकी है। और इस बात को सुनकर युहाओ चौंक जाता है और कहता है, लेकिन तब भी ये ज्यादा से ज्यादा 20 प्लस की ही लगती है। और इस तरफ कायमा कहती है, मैं तुम्हारी टीचर हूँ जो कि इस टीम को लीड करेगी, और यहाँ तक कि वैसे मैं तुम में से कईयों को पहले भी देख चुकी हूँ, लेकिन तब भी तुम सभी ही अपने अपने आप को सभी से इंट्रोड्यूस करवाओ। और तभी एक लड़की कहती है, मैं जैंग लेन हूँ और मेरा स्पिरिट एजेंट्स मून है, और मैं टीम को कमांड देने के लिए जिम्मेदार हूँ, और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 86 की है। और फिर दूसरी लड़की कहती है, मेरा नाम हान रो रो है, मेरी स्पिरिट एजेंट्स डैजलिंग गोल्ड रोप है, और मैं इस ऑपरेशन की इंचार्ज हूँ, और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 82 की है। जिसके बाद युहाओ का नंबर आ जाता है और ये कहता है, मैं हुआ युहाओ हूँ, और मेरी मार्शल सोल स्पिरिट आई और आइस जेड स्कॉर्पियन की है, और मेरी जो स्पिरिट पावर है वो 50 लेवल की है, और मुझे मेंटल टाइप स्पिरिट रिंग की जरूरत है। और फिर डोंगर कहती है, मेरा नाम वांग डोंगर है, मेरी स्पिरिट एजेंट्स ब्राइट गॉडेस बटरफ्लाई की है, और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 61 की है, और मैं युहाओ के साथ स्पिरिट एजेंट्स फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म कर सकती हूँ, और मैं इसके सहायता के लिए इस ऑपरेशन में इसके साथ चल रही हूँ। जिसके बाद दूसरी लड़की कहती है, मेरा नाम ली योंग यू है, और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 60 की है, और मुझे अपने लिए 6 स्पिरिट रिंग की जरूरत है, और मेरी स्पिरिट एजेंट्स मून ब्लेड की है। बिग सीनियर सिस्टर, क्या आपको मैं याद हूँ? मुझे काफी तगड़ा बूस्ट मिल जाता है जब आप अपनी स्पिरिट एजेंट को परफॉर्म करती है। और इस लड़की की बातों को सुन के युहाओ कहता है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि बिग सीनियर सिस्टर की इस अकेडमी में काफी हाई पोजीशन है, क्योंकि ये लड़की उनसे कितने ज्यादा आदर और सम्मान के साथ कह रही है। और तभी एक और लड़के का नंबर आ जाता है जो कहता है, मेरा नाम मो सैन है, और मैं लॉन्ग रेंज रिमोट कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम का स्पिरिट मास्टर हूँ, और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 60 की है, और मुझे अपने लिए 6 स्पिरिट रिंग की जरूरत है, और मेरा मार्शल सोल हालो का है। और इस बंदे को देख के युहाओ कहता है, ये मो सैन तो 20 सालों से भी ज्यादा बड़ा लगता है, और ऐसा दिखता है कि ये काफी शर्मा भी रहा है। जिसके बाद वांग क्वियर का नंबर आ जाता है और वांग कहती है, मेरा नाम वांग क्वियर है, और मेरा जो मार्शल सोल है वो गोल्डन ड्रैगन का है, और मुझे 6 स्पिरिट रिंग की जरूरत है, और मेरी स्पिरिट पावर लेवल 60 की है। और इस तरफ वांग डोंगर वांग क्वियर को ही निहारे जा रही होती है,
और फिर हेडमास्टर कायमा कहती है, चलो ठीक है, चलो अब मैं जल्दी से फॉर्मेशन को अरेंज कर देती हूँ, जिसे इस्तेमाल करके हम स्टारडू फॉरेस्ट के अंदर एंटर करेंगे, और अगर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर चलो अब चलते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग ही काफी तेजी से स्टारडू फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी डोंगर युहाओ से कहती है, युहाओ क्या तुमने नोटिस किया? तो युहाओ पूछता है, क्या? तो वांग डोंगर कहती है, देखो तो वो अपनी स्पिरिट एजेंट्स को इस्तेमाल भी नहीं कर रही है, लेकिन तब भी उसके जो मूवमेंट्स है काफी रिलैक्स्ड है, और तो और वो जरा सी भी थकी हुई भी नहीं दिख रही है। तो युहाओ कहता है, हाँ मैं नोटिस कर चुका हूँ, और जब भी उसके पैर ग्राउंड को टच करते हैं तो वो सभी जोर से चकनाचूर हो जाते हैं जब भी ये उनके ऊपर अपना कदम रखती है। तो वांग डोंगर हैरान होते हुए कहती है, ना जाने इसके पास ऐसी भी कौन सी स्ट्रेंथ है। तो युहाओ कहता है, तुम तो जानती ही हो ना कि इसके पास लेजेंड गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट एजेंट्स है, जिसे स्ट्रेंथ के लिए भी जाना जाता है। और कुछ समय तक भागा दौड़ी करने के बाद ये सभी ही एक जगह रुक जाते हैं, और कायमा कहती है, स्टारडू फॉरेस्ट बस आगे ही है, इसलिए सभी लोग ही ब्रेक ले लो और थोड़ा बहुत खा लो, और तो और अपनी माइंड की स्टेट को भी एडजस्ट कर लो। और युहाओ इस जगह को देख के मन में कहता है, ये जगह वही है जहाँ पर मैं पहली बार सीनियर ब्रदर बेबे और तांग्या से मिला था, लेकिन ये कितनी पुरानी बात है, लेकिन अब भी सीनियर तांग्या का पता नहीं लगा है। और तभी कोई कहती है, युहाओ मैंने सुना है कि तुम्हारी जो ग्रिल फिश की स्किल्स है वो काफी ज्यादा औसम है, और कैसा रहेगा अगर तुम हमें अपनी स्किल्स दिखाओ तो। और फिर युहाओ इन सभी को ही ग्रिल फिश बना के दे देता है खाने के लिए, और ग्रिल फिश को खाते हुए ये दोनों कहते हैं, ये तो काफी ज्यादा यम्मी है, और मैंने आज से पहले कभी भी इतनी यम्मी ग्रिल फिश नहीं खाई है। युहाओ तुम हम सभी को सच सच बताओ, क्या तुम सच में कोई स्पिरिट मास्टर हो या फिर कोई शेफ हो? तो कोई और कहती है, युहाओ की ग्रिल फिश की अपनी ही खासियत है, और मिस कायमा भी इसे खाते हुए कहती है, ये तो सच में काफी अच्छी है, और तुम्हारा काम हो जाए तो तुम भी खा लेना। तो इसके लिए युहाओ भी मान जाता है, और इसी दौरान युहाओ की भी किसी और के ऊपर नजर पड़ती है। तो युहाओ एक और ग्रिल फिश को बनाता है, और इसे लेकर ये वांग क्वियर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वांग क्वियर इन सब से अलग अकेले बैठी थी। और युहाओ इसके पास ग्रिल फिश को बना के ले आता है, तो इस चीज को देख के वांग डोंगर भी चौंक जाती है, और वांग क्वियर के पास आके युहाओ कहता है, वांग क्वियर मैं इस ग्रिल फिश को तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो इस पर वांग क्वियर भी ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं देती है। तो वांग क्वियर कहती है, क्या मेरे लिए, और क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है, है कि तुम्हारी लिटिल गर्लफ्रेंड तुमसे गुस्सा हो जाएगी? तो इस पर युहाओ हंसने लगता है और मन में कहता है, आखिर तुम ये किस बारे में बात कर रही हो? लेकिन जैसे ही युहाओ वांग क्वियर की आंखों में देखता है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि इसकी आंखें अजीब तरीके से ग्लो कर रही थी, जिसके अंदर देख के युहाओ को अचानक से काफी अजीब सा लगता है। और फिर ये अपने आप को संभालते हुए मन में कहता है, अनएक्सपेक्टेडली मैं ठहर सा गया था जब मैंने इसकी आंखों के अंदर उस एक्सप्रेशन को देखा। और फिर वांग क्वियर भी उस ग्रिल फिश को खाने लगती है, और युहाओ उससे कहता है, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? तो वांग क्वियर कहती है, शायद हम इस बारी तीसरी बार मिल रहे हैं, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी लिटिल गर्लफ्रेंड ये सोचे कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, इसलिए अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। और इतना कह के वांग क्वियर फिश को खाने लगती है, जिस पर युहाओ कुछ भी नहीं कहता और मन में कहता है, ये लड़की डेफिनेटली किसी सीक्रेट को तो छिपा रही है। और फिर युहाओ लौट के वांग डोंगर के पास आने लगता है, और हम देखते हैं कि वांग डोंगर गुस्से की आग के अंदर जल रही होती है, और ये गुस्से में युहाओ को इग्नोर मार के जाने लगती है। तो युहाओ उसे रोकते हुए कहता है, वांग डोंगर क्या कोई गलतफहमी हो गई है? और फिर युहाओ वांग डोंगर को मनाने के लिए एक स्पेशल ग्रिल फिश को ले आता है, और इससे कहता है, वांग डोंगर थोड़ा ध्यान से, ये अब भी काफी गर्म है। और इसे देख के वांग डोंगर के मुंह में से लार टपकने लगती है, और फिर इस तरीके से युहाओ इसे वापस से मना लेता है। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वापस से सभी लोग फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और कुछ घंटों बाद इन लोगों ने मिक्स्ड रीजन के अंदर एंटर कर लिया होता है, और तो और आसमान में भी अंधेरा छाने लगा था। और तभी ये लड़की कहती है, सभी लोग धीरे हो जाओ और फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दो, और पहले और दूसरे जो कमांड में है वो यहाँ तक की और भी ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि बाद में हम जिन स्पिरिट बीस्ट से मिलने वाले हैं उनसे हमें जान का खतरा भी हो सकता है। और जब ये सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी युहाओ वांग डोंगर को अपने पास बुलाता है,
और उसके हाथ को थाम के उसके स्पिरिट पावर को अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे कि ये अपनी स्पिरिट एबिलिटी को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। और ये काफी ज्यादा लार्ज स्केल पे मेंटल डिटेक्शन और मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करता है, और इस नज़ारे को देख सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो मेंटल डिटेक्शन है, और आसपास की जो चीजें हैं वो अचानक से काफी ज्यादा क्लियर हो गई हैं। और क्या ये सच में युहाओ की एबिलिटी है? और तभी एक लड़की कहती है, युहाओ आखिर तुम्हारी कितनी मेंटल स्ट्रेंथ खर्च हो गई है? तो युहाओ कहता है, मैं इसे आगे बढ़ने के दौरान रिकवर कर सकता हूँ, और अगर मैं इसके दायरे को नहीं बढ़ाता हूँ तो मैं इसे काफी लंबे समय तक इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। और तभी कोई और कहता है, ये तो वास्तव में किसी तरीके की डिवाइन टेक्निक है, और इस फॉरेस्ट के अंदर ये तो काफी अच्छी बात है, और इस मोमेंट से तुम इस टीम के फर्स्ट कमांडर हो, जिसके लिए युहाओ भी मान जाता है। और ज्यादा समय भी नहीं बीतता है और इन लोगों को इस स्पिरिट टेक्निक की मदद से एक नॉर्मल सिचुएशन मिलती है, और युहाओ इन सभी को ही आगे संभल के चलने के लिए कहता है, क्योंकि इन सभी को ही करीब 200 मीटर दूर एक स्पिरिट बीस्ट दिखा होता है, जो कि 10,000 ईयर ओल्ड जेड एप स्पिरिट बीस्ट होता है। और ये लड़की कहती है, इसकी टेरिटरी आसपास ही होनी चाहिए, इसलिए सभी लोग ही केयरफुल रहना, और सबसे पहले जल्दी से सभी ही लोग छिप जाओ, और जल्दबाजी में किसी तरीके का एक्शन मत लेना और अलर्ट रहना। और तभी वांग क्वियर कहती है, इस जेड एप स्पिरिट बीस्ट का कल्टीवेशन 10,000 सालों से भी ज्यादा का है, और ये काफी बुरी बात है कि ये पॉइजन अटैक्स भी कर सकता है, लेकिन इसकी ये स्पिरिट रिंग हमें सूट करेगी। और तभी जो इनकी लीडर होती है वो कहती है, युहाओ वांग डोंगर और वांग क्वियर तुम तीनों पहले अटैक करोगे, जबकि रुओ रुओ और मैं तुम लोग की रिइंफोर्समेंट होंगे। और इस बात को सुनकर युहाओ मन में कहता है, आखिर किसने ही सोचा था कि ये पहले तीन हम होंगे जो कि पहले अटैक करेंगे, और मैं वाकई में इससे थोड़ा तो सरप्राइज हुआ हूँ। और इस चीज पर वांग क्वियर भी कुछ नहीं कहती है और ना ही वांग डोंगर कुछ कहती है, लेकिन वांग डोंगर मन में कहती है, ये बिल्कुल सही समय पर आया है, और इस मौके का फायदा उठा के मैं दिखाऊंगी कि मैं कितनी ज्यादा बेहतर हूँ। और ये जेड एप स्पिरिट बीस्ट भी काफी ज्यादा चौंक जाता है जब ये इन तीनों को नोटिस करता है, और इस चीज को देखकर युहाओ कहता है कि इसने हमें डिस्कवर कर लिया है, तो फिर चलो अटैक करते हैं। जिसके बाद ये तीनों ही स्पिरिट बीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो दोस्तों, इस सीन के साथ आज का ये पार्ट यही एंड होता है। और हाँ, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 4000 लाइक का, तो जल्दी से पूरे करवा देना। और हाँ, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।